नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज फिर से आपका मेरे चैनल में। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करूंगा, वो है मेजर स्केल्स के कॉर्ड्स, मेजर सीक्वेंस जिसको हम कहते हैं, या मेजर सीक्वेंस के मेजर कॉर्ड का पूरा सीक्वेंस फैमिली, उस पर बात करेंगे, वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। मैंने आपको जैसे पिछली बार बताया था, रिलेटिव कॉर्ड्स जैसे सी मेजर का ए माइनर, सी शार्प का ए शार्प माइनर, तो वो हो सकता है शायद आपने याद कर लिया हो, ना किए हो तो जरूर करना बहुत जरूरी है, इसके लिए समझना जरूरी है। सागा पा सागा धा बताया था मैंने, रिलेटिव बनता है तो उसको जरूर मेरे पीछे वाले चैनल उसमें वीडियो में आप देख लें, आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन उसके बारे में और क्या है रिलेटिव कॉर्ड्स। तो आज हम बात करते हैं मेजर कॉर्ड्स पे, मेजर कॉर्ड्स का सीक्वेंस। तो शुरू करते हैं सी मेजर से। सी मेजर है तो नॉर्मली क्या है, सीक्वेंस क्या है, सरगम से प्रभावित रहता है। जैसे सरगम में सात स्वर रहते हैं, शुद्ध में सारे गामा पधा नी, वैसे ही हम एक अपने सरगम जो कॉर्ड्स रहते हैं, स्केल रहते हैं, उसमें भी सात स्वरों से ही पूरा एक कंप्लीट कॉर्ड हमारा सीक्वेंस बनता है। तो सबसे पहले सी जैसे लेंगे तो सी मेजर है, तो एक मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, सा मा और पा, ये तीन सुरों के कॉर्ड लेंगे, सा पहला, उसके बाद मा एफ आया, एफ मेजर, पा जी मेजर आया, तो तीन कॉर्ड हो गए, सा मा पा सी एफ जी, ये मेन कॉर्ड है, ठीक है। उसके बाद हम इन तीनों के रिलेटिव बना लेंगे, सी का ए माइनर, ठीक है। अब चार कॉर्ड हो गए हमारे, सी एफ जी ए माइनर, उसके बाद एफ, एफ का डी माइनर हो गया रिलेटिव, जी जी का ई माइनर हो गया रिलेटिव। अब एक कॉर्ड और बचा, लास्ट में जो कॉर्ड है वो बी डिमिनिश्ड, लास्ट का जो कॉर्ड डिमिनिश्ड होता है। तो हमारा पहला कॉर्ड क्या हुआ, सी मेजर, उसके बाद मा का कॉर्ड एफ मेजर, जी का कॉर्ड या पा का कॉर्ड जी मेजर, उसके बाद इनके रिलेटिव सी का ए माइनर चौथा, उसके बाद एफ का डी माइनर, जी का ई माइनर और बी डिमिनिश्ड, ये हमारी मेजर फैमिली हो गई। मेजर के जो भी गाने होंगे मोस्ट ऑफ इसी फैमिली में बजेंगे। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको माइनर फैमिली के कॉर्ड्स बताऊंगा, आप मेजर का आज सीक्वेंस देखें और ध्यान से इसको तैयार करें और इसके ऊपर प्रैक्टिकली कोशिश करें इसको रेडी करने की, क्योंकि मेजर माइनर कॉर्ड हमारे प्लेइंग में बहुत ज़रूरी है। जब तक आप कॉर्ड नहीं समझेंगे तब तक आगे अच्छा प्ले नहीं कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं माइनर कॉर्ड्स के साथ। नमस्कार।